अज्ञान भी है और फैल ज्ञान भी सकता है। जो कहानी अभी अभी पढ़ी है ये पूरी इसी बारे में है कि बुद्ध को जो सत्य पता चला, बुद्ध निकलते हैं उसको बांटने के लिए। कुछ दिन पहले की बात है, एक संवाद में एक ने सवाल पूछा था कि दुनिया ऐसी क्यों है। तो फैलता अज्ञान भी है और फैल ज्ञान भी सकता है, लेकिन दुनिया को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या ज़्यादा फैला हुआ है, अज्ञान। नॉट नोइंग, सफरिंग, ये ज़्यादा फैली हुई है। दोनों के फैलने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। अज्ञान के फैलने की प्रक्रिया और ज्ञान के फैलने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है, और उसको ये समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक का फैलाव दूसरे से ज़्यादा क्यों हो जाता है। अज्ञान फैलता है एक से दूसरे में, दूसरे को ये एहसास दिला के कि वो सीमित है। जब एक दूसरे को ये एहसास दिलाता है कि वो सीमित है, तो ये अज्ञान का फैलाव है। किसी को भी ये अनुभव करा देना या ये धारणा दिला देना कि वो सीमित है, हमेशा ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपकी आँखें आपको सीमितता ही दिखाती हैं, आपके कान जो कुछ सुन पाते हैं वो भी सीमित होता है, और आप जिस देह के साथ जुड़ाव अनुभव करते हैं वो भी एक सीमित देह है। सीमित मतलब जिसकी सीमा है, जो देखी जा सकती है। तो इसीलिए अगर चुनाव करना हो आदमी को कि मैं असीमित हूँ कि सीमित हूँ, तो उसकी प्राकृतिक रूप से पसंद यही मानने में होती है कि मैं सीमित हूँ। ठीक है, बचपन से ही उसका अनुभव रहता है कि ज़मीन पे पत्थर गिरा तो उसे नहीं चोट लगती, पर वही पत्थर अगर उसके ऊपर गिर जाए तो उसे चोट लगती है। उसकी सामान्य बुद्धि उसको यही बताती है कि इसका अर्थ ये है कि मैं इस शरीर के द्वारा सीमाबद्ध हूँ। यहाँ तक अगर गिरेगा पत्थर तो चोट लगी, अब जैसे ही सीमा से बाहर गिरता है तो मुझे चोट नहीं लगी। आदमी को यह एहसास दिला देना कि वो बंधा हुआ है, सीमित है, हमेशा ही ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो असीमित है। बात समझ में आ रही है? यही कारण है कि ये जो अज्ञान है, अंधकार है, इसका फैलना हमेशा ज़्यादा गति से होगा, हमेशा ज़्यादा आसान होगा। बुद्ध जिस प्रक्रिया पे निकल रहे हैं वो इसकी विपरीत है। बुद्ध को कुछ मिला है और बुद्ध उसको बांटना चाहते हैं, ज्ञान। कहते हैं शुरू में तो वो बांटना चाहते ही नहीं थे, उनका मन ये बन गया था कि ये चीज़ बांटने की है ही नहीं, किसी को दी जा सकती ही नहीं है। कहानी है कि देवता वगैरह उनके पास आए, उनसे बोले कि आपने जो पाया है ये बड़ी विलक्षण बात है, अद्भुत, रेयर, कभी होती नहीं, आपको जो मिला है दूसरों को भी दें। तो बुद्ध का तर्क था कि जो पाने काबिल हैं वो खुद पा लेंगे, जो पाने काबिल हैं वो खुद पा लेंगे, और जो पाने काबिल नहीं हैं उनसे मैं कहूँगा भी तो उनके किसी काम का नहीं है, उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, उनकी समझ में नहीं आएगा। बात ठीक थी बुद्ध की। फिर कहते हैं कि देवताओं ने एक नया तर्क निकाला कि आपने दो किस्म के व्यक्ति बताए,
एक जो खुद पालेंगे, दूसरा जिनको बताओ भी तो उनको समझ में नहीं आएगा। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो मुमुक्षु है, न ज्ञानी है न अज्ञानी है, जिसको अगर आप बताएंगे तो समझ जाएगा, पर नहीं बताएंगे तो नहीं समझेगा। उसके लिए बोलिए, आपका बोलना उसके काम आएगा, तो उसके हित के लिए आप बोलिए, ज़रूर बोलिए। बात बुद्ध को जची, फिर कहते हैं इसी के बाद वो बोलने निकले। कहानी हमारी वहीं से शुरू होती है कि अब बुद्ध कह रहे हैं कि किससे बोलूं, अब बुद्ध कह रहे हैं कि बोलूं तो किससे बोलूं। बड़ी मज़ेदार बात है कि बुद्ध को सबसे पहले अपने दो गुरुओं का स्मरण आता है, जिन्होंने बुद्ध की पूरी निष्ठा से, पूरी गंभीरता से मदद करी थी। जिस हद तक वो बुद्ध को ले आ सकते थे, अपना पूरा ज्ञान दिया था उनको। बुद्ध का पहला भाव यही उठता है कि जो मैंने पाया है पहले अपने उन्हीं गुरुजनों को बांटूं। पर तभी बुद्ध को पता लगता है कि वो दोनों अब इस दुनिया में ही नहीं है, वो जा चुके हैं। फिर बुद्ध को याद आती है अपने पांच साथियों की, जो भटकाव के दिनों में बुद्ध के साथ बहुत दिनों तक रहे। उसकी कहानी ये है कि वो बुद्ध के साथ रहते थे और गहरी तपस्या कर रहे थे ये एक साथ में। बड़े कठिन व्रत ले रखे थे, खाना वाना नहीं खाते थे, एकदम अपनी देह को सुखा लिया था बुद्ध ने भी, और जो बुद्ध के साथ पांच लोग थे उन्होंने भी। एक दिन लेकिन तभी बुद्ध को कुछ समझ में आया, उन्हें दिखाई दिया कि देह ही नहीं रहेगी तो सत्य का अनुभव पूर्णतः असंभव ही हो जाएगा। तो उस दिन बुद्ध गए, उन्होंने पौष्टिक भोजन लिया और देख लिया, तय कर लिया कि देह को सुखाना नहीं है, बर्बाद नहीं कर देना है। इसका नतीजा इनके साथ के पांच लोगों पर बड़ा ख़राब पड़ा। इन्होंने बुद्ध को भगोड़ा घोषित कर दिया। इनको लगा कि बुद्ध में सामर्थ्य नहीं थी व्रत को पूरा कर पाने की। बुद्ध को छोड़ के ये लोग चले ही गए। जितना आदर सम्मान उन्होंने बुद्ध को दिया था वो सब खत्म हो गया उनके मन में। तो अब बुद्ध को इनकी याद आती है। बुद्ध कहते हैं ठीक है, चलो इनसे बात करते हैं। इनके साथ बहुत दिन तक रहा, मुमुक्षु लोग थे, अपना सब कुछ दांव पे लगाए हुए थे, शरीर तक हारने को तैयार थे। इनसे कहूँगा अपनी बात तो ये ज़रूर समझेंगे। तो बुद्ध उनके पास जाते हैं, आगे की जो घटना है बड़ी संकेतात्मक है, ध्यान से देखना होगा। पहली बात जो कही जा रही है वो तो यही कि जब वो सब पांचों बुद्ध को आते हुए देखते हैं तो तय कर लेते हैं, मन पहले से बना के बैठे हैं कि ये गड़बड़ आदमी है, ये पहले भी हमें धोखा दे चुका है, हमारा साथ छोड़ के भाग चुका है, व्रत तोड़ चुका है। हम इसे किसी प्रकार का कोई सम्मान देंगे नहीं, न ही हमारी तरफ आ रहा है तो हम इससे कैसा भी संबंध बनाएंगे।
लेकिन बुद्ध के आने में कुछ ऐसा है, बुद्ध के होने में कुछ ऐसा है कि उनके सारे संकल्प धरे के धरे रह जाते हैं। मन में उन्होंने बातें तय कर रखी थी, लेकिन उन सारी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता बुद्ध की सत्ता के सामने। अब बुद्ध की सत्ता ऐसी नहीं है कि बुद्ध हाथ में तलवार लेके चले आ रहे हैं या कोई शास्त्र लेके चले आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा है बाहरी जो उनको ताकत देता हो। बुद्ध की सत्ता पूरी तरह आंतरिक है। कुछ है उनके पास, कुछ मिला है उन्हें जो उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, उनकी चाल में दिखाई दे रहा है, उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। और जब वो उन पांच लोगों के पास पहुंचते हैं, अब ये पांच लोग भी बेवकूफ लोग नहीं हैं, वो मुमुक्षु लोग हैं, तपस्वी हैं जो सब कुछ छोड़ के आ गए हैं सिर्फ सत्य को जानने के लिए। तो ये अंधे लोग नहीं हैं, इन्हें ढंग से देखना आता है। और बुद्ध को देखते हैं ये और इन्हें कुछ बात समझ में आ जाती है तुरंत। जैसा हमने पढ़ा कि सारे संकल्प इनके रखे रह जाते हैं, ये उठते हैं, जो बुद्ध का चरण स्पर्श करता है, कोई उनके लिए बैठने के लिए जगह तैयार करता है। और ये वही लोग हैं जो थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि ये आदमी धोखेबाज है। बुद्ध बैठते हैं, कुछ देर तक तो एक अजीब खिंचा हुआ सन्नाटा रहता है, एक उलझन। उसके बाद बुद्ध इनसे बोलना शुरू करते हैं और जितना तनाव है वो सब धीरे धीरे घुल जाता है। एक बड़ी आसान सहजता आ जाती है माहौल में। जैसे जैसे वो बुद्ध को सुनते जाते हैं, उन्हें स्पष्ट होता जाता है कि ये वो व्यक्ति है ही नहीं जिसको हम कुछ वर्ष पहले जानते थे, जिससे हमने संबंध बनाया भी था और संबंध विच्छेद भी किया था। महत्वपूर्ण है कि थोड़ी ही देर में बातें उन्हें बिल्कुल नए सिरे से स्पष्ट होने लगती है। कहानी कहती है कि बुद्ध के बोलने में एक नई सहजता है, एक गहरी करुणा है जिससे उनके वचन निकल रहे हैं। एक स्पष्ट प्रामाणिकता है कि मैंने पाया है तो सिर्फ किसी से सुन नहीं लिया है, वो बात पूरे पूरे तरीके से मेरे अस्तित्व में है। और इस प्रमाण को कोई भी झुठला नहीं सकता। ये तो मुमुक्षु है तो इन्हें बहुत आसानी से दिख गया। इस घटना के बाद बुद्ध को गांव-गांव जाना है, लाखों लोगों से मिलना है, बड़े अड़ियल लोगों से मिलना है, और किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाना है। बुद्ध के अस्तित्व के जोर को नकार पाना, कोई जल्दी देखेगा, कोई देर में देखेगा, पर देखेंगे, सब देखेंगे, क्योंकि बुद्ध के पास है। जो मुमुक्षु होगा वो बहुत जल्दी देख लेगा, जो जड़मती है अंधा होके बैठा है उसको थोड़ा समय लगेगा, पर देखा सबने। यदि है आपके पास तो दिखाई देगा। बुद्ध का संवाद का तरीका भी, बुद्ध की होने की तरह ही प्रामाणिक है। बोलते हैं तब भी सिखा रहे हैं,
और जब नहीं बोलते तब भी सिखा रहे हैं। ऐसे ही एक न बोलने के क्षण में उनके पहले 5 शिष्यों में से एक अचानक मुस्कुराने लगता है और बुद्ध जान जाते हैं कि समझ गया, वो एक बोलने का क्षण नहीं है, वो एक मौन का क्षण है। जब बुद्ध बैठे हैं, उनके साथ ही 5 लोग बैठे हुए हैं और उनमें से अचानक एक मुस्कुराना शुरू कर देता है और बस हो गया, दैट्स इट। अब और कुछ नहीं बचता। शुरू से अंत तक ये कहानी अनमोल है, बड़े कीमती संकेतों से भरी हुई है। एक एक बात अपने आप में एक कीमती सच की ओर इशारा कर रही है। आदमी के मन को समझना हो, सत्य के स्वभाव को समझना हो, हर प्रकार की मदद इस कहानी से मिल जाएगी। बुद्ध क्या सोच रहे हैं, बुद्ध किसकी तरफ को चल रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं वो कैसे हैं, मिलने पर क्या होता है, बुद्ध के पढ़ाने का तरीका क्या है, एक एक बात कीमती है और हमारे लिए मददगार है। लेकिन इशारे बस हैं, कुछ भी बहुत खोल के नहीं कहा गया है, क्योंकि सत्य ऐसा होता ही नहीं है कि उसको बहुत स्थूल रूप से मोटे तरीके से कहा जा सके। वो सटल होता है, सूक्ष्म होता है, समझने वाले पर निर्भर करता है। कहानी स्पष्ट है? अब बोलो। अरे जो मौन की बात करते हैं हम, चुप हो जाने की, मुँह से चुप हो जाए तो भी क्या फ़र्क थोड़ी पड़ता है, यहाँ तो वही चल रहा है, चलता ही रहेगा। तो मुँह से चुप होकर ढोंग भी तो कर रहे हैं। पर मुँह से चुप होना एक कदम ज़रूर हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। असली शांति वही है, असली मौन तो वही है जो मन का है, और चूंकि मन शांत है इसीलिए होंठ भी शांत है। मन तक पहुंचना थोड़ा समय ले सकता है, सूक्ष्म है मन। मन का कई बार हमें पता भी नहीं होता कि चल रहा है। अगर हम मन को ठीक ठीक देख नहीं रहे हैं तो हमें पता भी नहीं हुआ कि मन में कितना शोर चल रहा है। पर होंठ चल रहे होंगे और शोर कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से हमें पता होगा। हम कितने भी सोए हुए हों पर इतने सोए हुए नहीं हो सकते कि होंठ चल रहे हैं और शोर कर रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। तो कम से कम जो पता है, जिन आवाज़ों का पता है, उन आवाज़ों को तो शांत किया जाए, ठीक है। धीरे धीरे मानसिक आवाज़ें भी शांत हो जाएंगी। हमने कहानी की शुरुआत करी थी ये कहने से कि फैलता अज्ञान भी है, फैलता ज्ञान भी है, पर दोनों के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। यही पहली बात बोली थी। अज्ञान किन तरीकों से फैलता है और ज्ञान कैसे फैलता है, बुद्ध ने जो किया उसको दृष्टि में रख के बताओ। बुद्ध को कुछ मिला है, ज्ञान है, जाना है, उसी को देना चाहते हैं, दूसरों को फैलाना चाहते हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सर बुद्ध अगर खुद से भी नहीं करते कि मुझे करना है या क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिस भी आदमी से मिलेंगे, उनकी बीइंग ऐसी होगी, उनके बीइंग से मैं कहने का मतलब है
कि उठेंगे बैठेंगे जो भी बात करेंगे वो बात होगी, और इंसान ज़रा सा भी ऐसा समझदार होगा या देखने वाले वालों का उसे दिख जाएगा। तो जो ज्ञान उनके पास है, जो उनकी समझ है, वो फैलेगी। वो किसी और को ज्ञान देने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल खुद में खुद को वो ज्ञान अर्जित करना इम्पोर्टेंट है। जब लास्ट सेशन में आपने कहा था कि जब स्टूडेंट के सामने होते हो, आफ्टर सम टाइम इट डजेंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हो, व्हाट मैटर्स कि कौन सामने खड़ा हुआ है। यू टॉकिंग अबाउट फेयरलेसनेस, तुम खुद ही डर रहे हो। यहाँ पे बात हो रही है कि इस कहानी के रिस्पेक्ट में ज्ञान कैसे फैलेगा या क्या होगा। ज्ञान इस तरह फैलेगा कि जब तुम्हें, जब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ही पता होगा, तुम ही अज्ञानी हो, तुम कैसे फैलाओगे। तुम ज्ञानी होगे तो अपने आप, तुम्हें तो बताया था अभी, तुम कहीं भी जाओगे तो वही बात करोगे। इवन तुझे याद होगा अभी हम दूध का एग्जाम्पल ले रहे थे इलाहाबाद में, हम वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे और क्यों आज इतनी भीड़ जमा हो गई। There would be no other thing that can happen. This would be the only thing left. ये थोड़ी मज़ेदार बात है कि हालांकि हम सबका स्वभाव ज्ञान का ही है, नोइंग हम सबका मूल स्वभाव है, लेकिन ज़्यादा आसान है मन के लिए इल्यूजन्स में रहना। बात थोड़ी पैराडॉक्सिकल है। स्वभाव है हमारा ज्ञान, लेकिन मन के लिए ज़्यादा आसान रहता है अज्ञान में रहना, क्योंकि जैसी उसकी संरचना है मन की, शरीर की, मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए ये विश्वास कर लेना ज़्यादा आसान है कि हम सीमित हैं, और यही मूल अज्ञान है, अपने आप को सीमित मानना, अपने आप को बांट के रखना, छोटा करके रखना, कटा हुआ मानना। जब ज्ञान फैलेगा तो वो व्यक्ति को उसके मन के और भीतर और भीतर और भीतर ले जाएगा। ज्ञान की प्रक्रिया ये है। अज्ञान की प्रक्रिया है कि वो मन को और बाहर और बाहर और बाहर ले जाए। अब बाहर की ओर का ये जो फैलाव है, ये हमेशा ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि तुम्हारी आँखें, कान, ये सब लगातार बाहर की ओर ही जा रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया में हमेशा इग्नोरेंस ज़्यादा रहेगी नोइंग की अपेक्षा, क्योंकि नोइंग की प्रक्रिया है भीतर जाने की, और तुम्हारे पास सहज रूप से कोई इंद्रिय उपलब्ध नहीं है जो भीतर जाती हो, समझ रहे हो। वो तो तुम्हारे जो प्राकृतिक टेंडेंसी है उसके विपरीत है, उसके विपरीत है, उसका रिवर्सल करना पड़ता है। तो इसीलिए जो सवाल पूछा गया था संवाद में कि दुनिया ऐसी क्यों है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा इवोल्यूशन है, हमारा जिस तरीके से क्रमिक विकास हुआ है वही है। लगातार और लगातार हम इनके माध्यम से बाहर से जुड़े हुए हैं, और इनका होना सीधी सीधी एक दीवार खींचता है तुम में और दूसरों में। आँख तुमको लगातार ही एहसास दिलाती है कि बाहर कुछ है जिसको मैं भीतर तुम्हारे पास ला रही हूँ, समझ रहे हो। बुद्ध का काम मुश्किल है, बुद्ध का काम मुश्किल है। बुद्ध को ये दीवार तोड़नी है, बुद्ध को अंदर और बाहर को एक करना है, बताना है कि जो तुमको दिखाई पड़ रहा हो कहीं बाहर नहीं है, भीतर ही है, या कि भीतर और बाहर जैसे शब्द निरर्थक हैं, ना कुछ भीतर है ना कुछ बाहर है। ये बात किसी को भी एज प्योर इंस्टिंक्ट सूझती नहीं है, सूझ सकती भी नहीं है।
हमारा जैसा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी ऐसी बनावट है, उसमें वो सूझेगी नहीं। इसीलिए हमेशा अज्ञान का फैलाव ज़्यादा आसान होगा, हमेशा हमेशा। इसीलिए अगर कोई ये तर्क दे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद ही जान लूँगा, खुद ही सीख लूँगा, तो ये तर्क उचित नहीं है। क्योंकि अगर आपको आपकी अवस्था में ही छोड़ दिया जाए तो आपकी इंद्रियां आपको सिर्फ बाहर ही ले जाएंगी। अंतर्गमन आपकी नैसर्गिक वृत्ति नहीं है, आपकी सारी वृत्तियां बाहर की हैं। क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि कई बार हम बात करते हैं कि सारे एक्शंस बिल्कुल वैसे ही होंगे किसी भी इंसान के जिसके जैसा मन है, ठीक है, एक तरफ ये बात है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि हमारा मन अभी किस लेवल पे है, गॉसिप वाली मुमुक्षा पे है। तो जब हमारा मन ही ऐसा है और अगर हमें अकेले ही छोड़ दिया तो हमारे सारे एक्शन भी फिर वैसे ही निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो इसलिए अकेले छोड़ना नहीं होगा, अकेले बुद्ध रह सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। हमको अकेला जब कहा जाए, छोड़ दिया जाए, तो भी हम अकेले रह कहाँ सकते हैं? जब तुम्हारी आंखें कान सब लगातार बाहर की ओर लगे हुए हैं तो तुम अकेले हो कहाँ? अकेलापन अर्जित करना पड़ता है। फिर ये बात वही एक पैराडॉक्स है कि अकेलापन तुम्हारी नियति है लेकिन अर्जित करना पड़ता है। हो तुम हमेशा अकेले, पर मन का भ्रम ये है कि वो एक भीड़ है। तो जो तुम हो वो अर्जित करना पड़ता है और जो तुम नहीं हो वो तुमको चारों ओर से मुफ्त मिल रहा है। ये जीवन का एक बड़ा गहरा विरोधाभास है, सिर्फ आभास है पर वो तो है ही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कि आप जो हो उसको पाना पड़ता है और आप जो नहीं हो उससे जीवन भरा रहता है। दैट इज़ वाई मीटिंग अ मास्टर इज सरेंडरिटी, बिकॉज जो आपका ऑल योर सेंसेस टेक्स यू आउट, द होल वर्क ऑफ मास्टर इज टेक यू इनसाइड।